रायसेन जिले के औद्योगिक केंद्र मंडीदीप में चल रहा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इसलिए क्योंकि जो दवाएं अन्य दवाई की दुकानों पर 800 से 1000 रुपए की कीमत पर मिलती हैं, वो दवाइयां जन औषधि केंद्र पर 200 से 300 रुपए में मिल जाती हैं। इस जन औषधि केंद्र के संचालक राजकुमार लोवंशी बताते हैं कि पहले लोगों में जेनेरिक दवाइयों को लेकर जागरूकता कम थी, लेकिन अब लोग जेनेरिक दवाएं लेना पसंद कर रहे हैं। पहले दुकान खोली थी तो थोड़ी प्रॉब्लम आती थी, लेकिन अभी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सभी लोग जानने लगे हैं कि जेनरिक दवाइयाँ लेना ठीक है और बहुत इफेक्टिव है और दवाइयाँ कीमत भी बहुत कम है। इसमें कस्टमर को 60 से 70% बेनिफिट मिलता है इस दवाई। पहले जो कि मार्केट में मतलब पहले डॉक्टर लिखते थे तो 1000 या 1.5 हज़ार रुपये की दवाई आती थी महीने भर की, तो जो जनऔषधि से लेके जा रहे हैं वो मेरे पास से आती 200 या 300 रुपये की दवाइयाँ महीने भर की दवाई लेके जाते हैं और नेक्स्ट मंथ भी आते हैं, वो ठीक रिस्पॉन्सेस है, बेटर है। वहीं इस केंद्र से दवा लेने वाले ग्राहक बताते हैं कि अन्य दवाई की दुकानों पर पहले अगर दुकानदार 10% की छूट देता था तो वो भी बहुत लगता था, लेकिन अब जनऔषधि केंद्र की दुकान पर बिना छूट मिले ही अन्य दवा दुकानों के मुताबिक 60 से 70% की कम कीमत पर ही दवा मिल जाती है। ऐसे में ये सीधे आम जनता और खासकर गरीबों की जेब को राहत देता है। हमें सस्ती जब दवाइयाँ मिल जाती है यहाँ पर और मेडिकल अंग्रेजी वाली दवाओं से बहुत सस्ती पड़ती है, करीब करीब 70% का फायदा है इसमें। उसमें 10% ही डिस्काउंट दिया जाता था, इसमें 70% के लगभग मिलते। पहले मार्केट से मैं दवाई लेने जाता था तो 700-800 रुपये की दरीब दवाई आती थी। प्रधानमंत्री जन औषधि दवाई जब से मिल रही है, जब से 150-200 रुपये में सस्ती सस्ती दवाई मिल जाती और काम वही दवाई करती है जो काम बाकी बाजार वाली दवाई करती थी। प्रधानमंत्री औषधि की जो दवाई है वो बहुत फायदेमंद है क्योंकि कम से कम कीमत में बढ़िया अच्छी दवाइयाँ मिल जाती है। जन औषधि केंद्र जिस उद्देश्य से शुरू हुए थे वो उसे पूरा करते दिखाई दे रहे हैं। आज इलाज के लिए दवा खरीदने के लिए गरीबों को सोचना नहीं पड़ रहा। डीडी न्यूज़ के लिए रायसेन जिले के मंडीदीप से आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट।